बस कैसे हाथ चला रहा, जल्दी जल्दी हाथ चला, तनख्वाह का फ्री की लेगा भाई। मालिक सुबह से लेकर कुछ खाया नहीं है, भूख से हाथ पांव नहीं चल रहे हैं मेरे। बस कल तो तुझे 900 रुपए दिए थे, वो कहाँ डाल दिए? मालिक मेरा भाई कल बीमार था, उसके इलाज में सारे पैसे ही चले गए। बस कमीने झूठ बोलता है तू, है पैसा कहाँ कहाँ डाल देता है, वगैरह भाई बीमार हो गया। दोस्त राम राम। राम 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 राम। और बढ़िया हो? हाँ सब कुशल मंगल है। और क्या कमाई चल रही है? अब तो ठलवारी है बस। अच्छा। बैठो बैठो। अच्छा साहब, ये नौकर पाल रखे हैं? पहली बार देखे सालों को तमीज नहीं, गिलास में पानी लाना चाहिए या ट्रे में पानी लाना चाहिए? मैं ट्रे में लाता, गिलास में लेकर चला पानी को। चल कपड़े साफ कर, तमीज है तुझे? भाई साहब तुमने कैसे कैसे नौकर पाल रखे हैं? अरे बेचारा गरीब है यार, हमने तो इस वजह से काम पे लगा रखा है। गरीब समझ रहे हो तुम? ये साले अपने मतलब से गरीब बनते हैं, ये ऐसा होता है? भाई साहब तुम्हें नहीं पता, आज तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं, क्या करेंगे? तुम्हारा माल देखा और यहाँ से निकल लिए। ये गरीब है, गरीब की वजह से रख रखा है। इन्हें तो सालों को रखना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये मतलब से गरीब होते हैं। अच्छा हाँ, अभी आजमाइश करी ना हमने फिर इसकी? हाँ बहुत, ये नालायक होते हैं। अच्छा दोस्त फिर चलते हैं हम तो। अच्छा हाँ चलो तो। चला राम राम जी। राम राम। चल बे गरीब, चल भाग जा यहाँ से, तेरा कुछ काम नहीं है, चल जा अपने घर। आज से नौकरी पे मत आना तू। नहीं मालिक, मुझे घर से मत निकालो, मैं भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। तो चल तेरा कुछ काम नहीं है, मुझे मत निकालो, भाग जा। चल चल भाग जा यहाँ से। यार एक कौन बच्चा बेहोश हो गया भैया? अरे बेटे उठिए जरा, उठिए। कौन है बेटे तू? उठिए जरा, खड़ा हो। क्या हुआ बेटे? मुझे मेरे मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? मैं बहुत भूखा हूँ। चल कोई बात ना, तू चिंता ना कर बेटे, मैं तो ये पालूंगा, मेरा कोई बच्चा नहीं है। चला मेरे साथ चल तू। हमारा ही घर है, इसे अपने घर समझना आप, ठीक है? अब आपको रोज पढ़ने जाना पड़ेगा, और पढ़ के एक बड़ा इंसान बनना है आपके लिए। ठीक है बेटा। मोहित लो, आपके लिए किताबों का इंतजाम करा मैंने। चलो पढ़ने जाओ, ध्यान से पढ़ना बेटा। खूब ठीक। बड़े बैठो।
बढ़िया बेटे? हाँ बढ़िया है। चलो अच्छी बात है, एक काम करो खाना खाना खा लो, खाना खा के तुम फिर पढ़ो, मैं काम देखता हूँ और। चलो ठीक है। हाँ मास्टर जी, बना तो है, लड़का बहुत मेहनती है, काफ़ी मेहनत की लड़के ने उसने। चलो अच्छी बात है, कामयाबी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बेसहारा बच्चा था। और बेसहारा बच्चा था जिसका कोई सहारा नहीं था। सुनी तो हमने भी कलेक्टर बन गया थी आपका लड़का। हाँ कलेक्टर बना, देखो उसने इतनी मेहनत की है बेचारे बच्चे ने। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। अब सहारा तो ऊपर वाले का था, ऊपर वाले का था, गाँव का नाम रोशन करा। हाँ गाँव का नाम रोशन करा आपके लड़का ने। पता चले इसकी वैसे कहाँ का लड़का? नहीं अभी तक कोई पता ना पड़ी। चलो सही है, बस हम तो ये कहें प्रभु बेसहारा को सहारा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका भी नाम रोशन कराएगा, वो गांव का भी नाम रोशन कराएगा। अच्छी बात है, कलेक्टर बन गया, कभी काम है भी आवेगा जी। और बता दिए वो बच्चा आपका भी है, अगर कोई काम हो तो लड़के को बोल देना। ठीक है साहब, जब भी अगर ज़रूरत पड़ेगी कभी काम की आपको बता देंगे हम। अरे चले साहब, हम फिर मैं चाय पी चली ना साहब, तलन दो जी। गांव वाले लोग कुछ सिफारिश लेकर आए हैं। चलो भेज दो। ठीक है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बैठो 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 बैठो। बाबूजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। बताओ क्या समस्या है? बाबूजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बच्चे इनसे छोटे छोटे हैं, ये बड़े हैं, सबसे बड़े यही हैं। समस्या बताओ क्या हो गई? बाबूजी दबंग आदमी में जमीन जोत ली। किसने छीन ली? नाम बताओ उसका, कौन गुंडा है? साहब दबंग आदमी है गाँव के, एक महावीर सिंह है, एक रामपाल सिंह है। अच्छा जी जी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? साहब पुलिस का नहीं सुनती बिल्कुल, पुलिस तो उनकी कहवा है ना। चलो देखेंगे, समस्या लिखो। यहाँ गुंडा माफिया। ठीक है ठीक है ठीक है, समस्या लिखवा दो। साहब लिख लो। ठीक है जी, ठीक है साहब, एक्शन ले लियो उनके खिलाफ। ठीक है जी, कल 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 एक्शन हो जाएगा जी, तुम चिंता मत करो। साहब पुलिस ने सुन रही बिल्कुल भी। ठीक है जी, ठीक है। इधर आओ जरा, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन है, बुला लाओ जी। अभी बुलाता हूं। राम राम कलेक्टर साहब। राम राम दाऊ, राम राम। बैठो 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 बैठो। ठीक हो बेटा? हाँ दाऊ, तुम सुनाओ। बस बेटा एक लोन निकाल रहा हूँ बैंक से। अब बैंक वालों ने आधा बटिया लो वो। और सुनाओ, और अब आधे को भी नुके हुए हैं नु, तेरे खाते में आधार ना है के पैन ना है। अब भैया मुझे तो ये ना पता आधार पैन का चीज हो गए। दाऊ आधार कार्ड नहीं बनवाया आपने? भैया आधार कार्ड तो बनवाया पर पैन ना है मुँह पे। पैन नहीं होता वो, पैन कार्ड होता है। अच्छा बेटा मोए, देखो अब मैं तो नू समझ रहा हूँ जो पैन हो करेगा ना। दाऊ यू पैन नहीं होती, वो पैन कार्ड होता है जो खाते से लिंक होता है। अब बेटा यू तो बताओ, मोए पैन तो मैं बनवा लूंगा, अब जो आज दलाली के ले लें पैसा वो कैसे वापसी लौटे? बैंक वाले नहीं ले ले दलाली के आधे पैसा तो। ताऊ अब ऐसा नहीं होगा, कल आप बैंक जाना, हम भी बैंक आएंगे। अच्छा हाँ, हम देखते हैं कौन तुम्हारा वो करता है। बताओ आपका काम हो जाएगा, आप शांति से घर जाइए। ठीक है बेटा, बहुत नाम सुनो तुम्हारा। ठीक है ताऊ, ठीक है, भला करा तुम्हारा। क्या
हाँ बाहर आओ जरा। बेटा कलेक्टर साहब आया है। बेटा बाबू जाके पैर छू ले। चलो चलो कोई बात नहीं खड़े हो। नहीं, बस आप बताओ। मेरे छोटे छोटे बालक है। ठीक है वो बताओ दबंग का घर कौन सा है। चलो साहब मार देगा साहब। अरे नहीं हम पुलिस लेके आए हैं, तुम आओ। मेरी बात में पुलिस है हमारे साथ। चलो बालक है, पुलिस है हमारे साथ, कोई कुछ नहीं करेगा। बाबूजी यह है। ठीक है चलो आओ। बाबू दबंग आदमी। आओ 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 बेटा आओ। अरे भाई कैसा है, क्या कहाँ से पैर आया ऐसे कपड़ा? कौन से कपड़े? ये जो पैर रखे हैं ये हाँ? ये हमारे ही हैं। हमारे हमारे यहाँ पोंछे लगा कर वही तो है। हाँ पहचान लिया? पहचान तो ही है। बहुत आतंक मचा रखा है तुमने गाँव में। कहाँ से चुरा ले ये ऐसे? ओ तमीज से बात कीजिए, ये कलेक्टर साहब हैं। अरे ये कलेक्टर जी पोंछा लगाया कर हमारे घर। अब तुम्हें मतलब मैं साथ में दिखा रहा था रहेंगे। अरे पुलिस है? हाँ। अच्छा कलेक्टर बन गए तो पढ़ के? कलेक्टर साहब हैं ये। इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करो, उन्हें ले चलो। चलो चलो जी।